अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शाम की खाने की रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो आपने वीडियो में साथ ही रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और यहाँ पे देखें, शाम का वक्त है और मैं जो है वो बेसन के जो कोफ्ते बनाने लगी हूँ। तो आपने वीडियो में साथ ही रहना और देखना है कि किस तरीके से गाँव में जो बेसन के कोफ्ते बनाए जाते हैं। बहुत ही मज़े का सालन बनता है इनका। अगर आपने इससे पहले ट्राई नहीं किया तो आपने ये वाली जो है वीडियो देख के को ज़रूर ट्राई करना रेसिपी को। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह बेसन के अंदर ऐड करके ना, तो इसके ये इस तरह से आपने गोल गोल गोलियाँ सी बना लेनी, गोल गोल यानी कोफ्ते बना लेना। गोलियाँ भी से कहना, कोफ्ते कहना, कुछ भी कह लें। इसमें हमने डाला नमक, नमक डाला, मिर्च डाला और जो है वो सब्ज़ मिर्ची, अदरक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और हल्दी डाल के, और इस तरीके से आपने गोल गोल बना लेनी इनकी बॉल्स। तो बॉल्स आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, आप ज़्यादा बड़ी भी बना सकते हैं, दरमियाने साइज़ की, और या बिल्कुल छोटी छोटी भी बना सकते हैं। यहाँ पे मौसम देखे माशाल्लाह इतना प्यारा हो रहा था, और बाद में जो हुआ है ना वो मैं आपको बताऊँगी आगे जाके, क्योंकि बाद में तो मौसम ऐसा हो गया था ना, यकदम इतना तूफ़ान आया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बड़ी मुश्किल से खाना हमारा बना है उस दिन, तो इतना ज़्यादा तूफानी, जैसे बारिश नहीं होती वैसे ही आ गई थी रात को। और खाना हमने तकरीबन इतनी लेट खाया, 9-10 बजे। वैसे तो गांव में आपको पता है मगरब की अजान के बाद ही खाना जो है वो खा लेते हैं, लेकिन उस दिन तो हमारे साथ इतना बुरा हुआ ना। तो अभी यहाँ पे देखना, मौसम अचानक से ख़राब होने लग गया है, बादल आ गए थे अचानक ही, और फिर बादल के साथ इतनी तेज़ आंधी आई है ना, उसने इतना नुकसान किया है, दरख्त वगैरह इतने ज़्यादा टूट गए थे। और यहाँ पे बस मैंने ऐड कर दिए थे बेसन के जो कोफ्ते उसके अंदर, और हवा आप यहाँ पे देख लें चल रही है, और हवा के साथ ही आग भी किस तरीके से चूल्हे से बाहर आ रही है। तो यहाँ पे देखें, तो आपने क्या करना, सबसे पहले इनको जो है वो प्याज को ना आपने ब्राउन नहीं करना और ना ही कोई कलर देना, बस आपने प्याज डालनी है और साथ ही आपने ये वाले कोफ्ते ऐड कर देने। क्योंकि अगर आप प्याज को कलर देना बैठ गए ना, तो फिर ये होगा कि प्याज को आपने ब्राउन किया तो फिर अगर इनको आप फ्राई करेंगे तो प्याज जो आपका जल जाएगा, फिर इससे ना सालन का टेस्ट वो डेवलप नहीं होगा, फिर अजीब सा हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे सारे मसाले वगैरह ऐड करके भूनूंगी। और यहाँ पे मौसम भी अचानक ख़राब होने लग गया था, पहले इतना इंजॉयफुल मौसम था, इतना प्यारा, मैं कह रही थी कितनी ठंडी हवाएं चल रही, कितना अच्छा मौसम है, लेकिन बाद में जब पता चला, जब थोड़ी हवा से तेज़ हवा हुई है ना कि एकदम आंधी आई है और सारा कुछ जो है वो कर दिया उसने तबाह, और चूल्हे पे भी सालन बनाना फिर आपको पता कितना मुश्किल है, और किचन वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ पे देखें एकदम इतनी बारिश कह रही हूँ, सॉरी, आंधी आना शुरू हो गई है ना, साथ फिर कच्चा तो इलाका बाहर से, और सारी फिर मिट्टी वगैरह खाने में जाना, और ये सब कुछ आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल मरहला था यहाँ पे। तो ये देखें कितना, देखें कितनी डस्ट उड़ रही है और मिट्टी, और फिर यहाँ पे बस हमें खाना बनाते बनाते तकरीबन रात का मौसम हो गया था, और यहाँ पे ऐसा बस डॉगी को रोटी डाल रहा है, क्योंकि रोटी हमने बनाई नहीं, मौसम इतना ख़राब था। फिर हमने साथ बस चावल ही बॉयल कर लिए थे क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था, तो फिर रोटियाँ बनाना मुश्किल था, पहले आटा गूंथते, और लाइट भी अचानक ही चली गई थी, वो भी इतनी लेट आई, पानी भी ख़त्म हो गया था। तो फिर करना क्या था, बस उधर से पानी लेके आया, जो ढारी में आपको अक्सर दिखाती होती हूँ वीडियो में, वहाँ से हम रात को पानी लेके आए, और फिर हमने चावल बॉयल किए, क्योंकि फिर इस सालन के साथ हमने वही चावल खाए हैं। तो रिदा तो बेचारी भूखी सो गई थी, उसमें कह रही थी कि खाना बन रहा है, रिदा ठहर जो, लेकिन बच्ची आई इतनी देर, उसने वेट नहीं किया, वो सो गई। और यहाँ पर अभी देखें काफ़ी अंधेरा हो गया था, और अभी हमारा सालन जो है वो बन रहा था, बनने के करीब था, और इसके बाद चावल बनने थे, तो रिदा से कहाँ इतना इंतज़ार हो रहा था, वो तो बेचारी सो गई थी। और इतने देख, और फिर अचानक मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हुआ और साथ ही इतनी तेज़ बारिश आई है ना, और मैं आपको क्या बताऊँ। खैर हमारी तो गंदम निकली गई थी, लेकिन जो बाकी लोगों की पड़ी हुई थी वो तो फिर इतनी टेंशन बन गई उनके लिए भी। और फिर यहाँ पे बस भाई जो है चार भाई अंदर रख रहा था, और ये गंदम के दो ये रह गए, ये हमने बाहर रहने दिए, बाकी को हमने जो बड़ोला होता है उसके अंदर शिफ्ट कर दिया, गंदम को जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। और यहाँ पे देखिए इतना नुकसान हुआ है हमारा, जो पौधा है ना वो भी बेचारा टूट गया, इतनी आंधी आई है, तूफान आया है, और बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई, इतनी मोटी मोटी बारिश आई, और बकरियाँ भी थी अंदर ही थी, और बादल गरज रहा था,
और इधर तो डर के मारे ही सो गए कुछ। यहाँ पे हमारा खाना वगैरह रेडी हुआ सब गया था फाइनली बड़ी मुश्किल से, और पता नहीं कैसा बना था खाना भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना।